लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। कर्ज में डूबे अनिल अंबानी ने 3 चीनी बैंकों से लोन मामले में अपनी संपत्ति को लेकर बड़ा खुलासा किया है। शुक्रवार को ब्रिटेन की एक अदालत में अनिल अंबानी ने बताया कि उनके पास कोई महत्वपूर्ण संपत्ति नहीं है। उनका खर्च बहुत कम है जो पत्नी और परिवार वाले संभालते हैं। आमदनी का कोई दूसरा जरिया भी नहीं है। वो एक साधारण जीवन जी रहे हैं और वो सिर्फ एक कार इस्तेमाल करते हैं। बता दें कि फरवरी 2012 में रिलायंस कॉम ने 3 चीनी बैंकों से $700 मिलियन से अधिक का ऋण लिया, जिसकी पर्सनल गारंटी अनिल अंबानी की थी। कंपनी अब दिवालिया हो चुकी है तो बैंकों ने ब्याज के साथ रकम वसूलने के लिए मुकदमा किया है। लोन देने वालों में इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड, मुंबई ब्रांच, चाइना डेवलपमेंट बैंक और एक्सिम बैंक ऑफ चाइना है। 22 मई 2020 को लंदन में हाई कोर्ट की जज नाइजल ने फैसला सुनाया कि अनिल अंबानी की ओर से 12 जून तक 3 चीनी बैंकों को $7.17 मिलियन का भुगतान किया जाए, लेकिन तय समय पर भुगतान न करने पर बैंकों ने संपत्ति घोषित करने की मांग की थी। फिर अदालत ने अनिल अंबानी को 29 जून को दुनिया में फैली संपत्तियों को घोषित करने का आदेश दिया था। उनसे एफिडेविट में यह भी बताने को कहा गया कि उन संपत्तियों में उनकी पूरी हिस्सेदारी है या वो इनके किसी के साथ संयुक्त हकदार हैं। इधर 3 चीनी बैंकों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वो अंबानी के खिलाफ बाकी सभी कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करेंगे।